गुड मॉर्निंग गाइस, और सुबह के बज रहे हैं 8। नाश्ता कर लिया है होटल से और अभी जा रहे हैं हम स्कूटी को देने और गाड़ी लेने, क्योंकि अभी हम जा रहे हैं, आज जा रहे हैं कहीं और। सो यहाँ से थोड़ा दूर है, सो ट्राई करते हैं कि स्कूटी से ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि थोड़ा लंबा है। तो एक्चुअली हम जा रहे हैं अभी दूध सागर वाटरफॉल, जो कि यहाँ से 87 किलोमीटर है, और पहले हमने सोचा था कि स्कूटी से चले जाएंगे, बट स्कूटी से जाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। एक तो स्कूटी छोटी है और रास्ते ऐसे, फिर हमने जिससे स्कूटी ली थी उसी से बात की है, तो वो उसी से स्कूटी दे के गाड़ी ले लेंगे अपन। तो अभी आगे आपको दिखाते हैं रास्ते का और वहाँ पर पहुँच के। स्कूटी तो हमने यहीं होटल के बाहर ही लगा दी थी, आप जैसा देख पा रहे हो ये हमारी स्कूटी है, और इसको जमा कर देंगे और उससे गाड़ी ले लेंगे। तो वो हमें i10 या एक्सेंट दे रहा है, लेट्स सी कौन सी गाड़ी देता है अब। सो गाइस, हमें एक्सेंट मिली है जहाँ पे देख पा रहे हो, और हम अभी निकले हैं दूसागर वाटरफॉल के लिए। सो सेल्फ ड्राइविंग कार है ये, हमने अभी पेट्रोल आपने जैसा देखा होगा कि पेट्रोल हमने दूसरे जो बाइक जो स्कूटी ली थी उसमें ज़्यादा भरवा दिया था, उससे निकाल के इसमें डाल दिया थोड़ी सी। अपार्ट फ्रॉम दैट, नॉर्मल में जो मैंने बताया था, जो नॉर्मल बाइक यहाँ पे एक दिन का रेंट है वो 300 रुपीज़ है, और वही आप गाड़ी लेते हो तो 1000-1200 रुपये मिल जाते हैं आपको अभी इस टाइम पे। बट वही जब ये पीक आवर रहते हैं या पीक सीजन रहता है, तब इसके कॉस्ट आपको 3000 या 2500 से 4000 या 3000 से 5000 तक के बीच में देते हैं ये लोग। तो अब हम नाउ वी आर गोइंग दूध सागर वाटरफॉल, एंड उसके बाद चलो आपके एक बार रास्ते का और वहाँ का दिखाते हैं आपको कि कैसा है दूध सागर वाटरफॉल और कैसे कैसे जाते हैं वहाँ पे। जैसा कि आपको पता होगा कि दूध सागर वाटरफॉल इंडिया का सबसे बड़ा वाटरफॉल है, और ये बेसिकली कर्नाटका में है, वो पड़ता है, तो कर्नाटका और गोवा का जो बॉर्डर है वहाँ पे लोकेशन है इसकी, लोकेटेड है। तो गोवा से ये तभी इसीलिए 87 किलोमीटर पड़ता है। तो जहाँ तक हमें लग रहा है कि एक दिन पूरा लग जाएगा हमें वाटरफॉल घूम के आने में, और बहुत ही ब्यूटीफुल है। आपने देखा होगा कि जब उसकी शूटिंग हो रही थी चेन्नई एक्सप्रेस की, तो बीच में जब ट्रेन रुकी थी और शाहरुख खान को उतार के ले गया था, ये दीपिका पादुकोण के का फादर उतार के ले गया था, दैट इज़ द प्लेस दूध सागर वाटरफॉल चेन्नई एक्सप्रेस में जो आपने देखा था। टिकट काउंटर है और यहाँ से भी 14 किलोमीटर है, 11 to 12 किलोमीटर दूध सागर फॉल। और यहाँ पे क्या करते हैं,
यहाँ पे गाड़ी हमारी अपनी लगा दिया हमने, और फिर यहाँ से ये अपनी गाड़ी में बैठा के ले जाते हैं हमें आगे की तरफ। हम अभी जंगलों के रास्ते से दूर सागर वाटरफॉल के लिए जा रहे हैं। सो ये बीच में बहुत घना जंगल मिलता है जो नेशनल फॉरेस्ट एरिया के अंडर आता है। इसमें बहुत सारे जंगली जानवर भी मिलेंगे आपको। अभी फिर हमें थोड़ा सा, अब हम यहाँ पे पार्किंग में गाड़ी लगा दिए और इसके बाद थोड़ा सा हमें पैदल चल के जाना पड़ेगा वाटरफॉल के पास। सो ये थोड़ा ट्रैकिंग जैसा रास्ता है जैसा आप देख पा रहे हो। ये बंदर यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलेंगे आपको, तो आपको बहुत ज़्यादा थोड़ा अवेयर रहने की रिक्वायरमेंट है। ये कुछ भी खाने वाने का तो छीन लेते हैं, और बंदर बहुत ज़्यादा मिलते हैं इस जंगल में। अभी हम जा रहे हैं वाटरफॉल की तरफ, एंड बीच में ये इन बिटवीन की बहुत सारी चीज़ें भी मिलेगी आपको। जैसे ये देखो पानी का फवारे और वाटर, ये सारी चीज़ें बहुत ही ब्यूटीफुल है। आ जाओ, इट्स लुकिंग सो ब्यूटीफुल राइट नाउ। आ जाओ, और ये बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है पूरा पहाड़ चारों तरफ। यहाँ पे लोग परेशान भी हैं, थोड़े चलाते हो रहे हैं गर गोई, और यहाँ पे ये देखिए वाटरफॉल है। ये मंकी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, खाने वाने को होता है तो काट वाट लेते हैं। आ जाओ मेरे साथ साथ, ये देख रहे हो ये बहुत सारे मंकी हैं यहाँ पे। लेट्स गो टू द वाटरफॉल, कम ऑन, दैट्स द वे टू गो टू द वाटरफॉल। एंड ये पूरा जंगलों के बीच से आपको जाना पड़ेगा। बीच बीच में आपको चेंजिंग रूम मिल जाएंगे, जैसे आप वाटरफॉल में नहाते हो या आपको, सो यू कैन चेंज। 5 मिनट पैदल चल के जाना पड़ेगा, तो धीरे धीरे हम लोग जा रहे हैं। ये जो जलप्रपात है वो इंडिया का सबसे बड़ा जलप्रपात है, और वन ऑफ द बिगेस्ट जलप्रपात इन इंडिया। पहुंचने वाले हैं इंडिया के बिगेस्ट, ये हम दूध सागर वाटरफॉल पहुंचने वाले हैं।
ये आपको दिख रहा होगा, इट इज सो ब्यूटीफुल टू सी द वाटर। वाओ, कैन यू सी द ब्यूटी ऑफ दिस वाटरफॉल, इट्स अमेजिंग मैन। ये आगे से ट्रेन दूधसागर फॉल से गुजर रही है और बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है ये। अभी ये कोई मालगाड़ी है। सी द ब्यूटीफुल व्यू ऑफ दूधसागर। और ये चेन्नई एक्सप्रेस की भी शूटिंग यहीं पे हुई थी। और सी वाओ, जैसा कि अब देखो मेरे को दूधसागर वाटरफॉल में भाई मिले हैं, इनको आप ऑलरेडी जानते ही हो, हाफ इंजीनियर नाम से है और हमने बहुत सारे वीडियो देख रखे हैं ऑलरेडी। तो अभी हम नहाते नहाते भाई को देखा तो मेरे को पहले कंफ्यूजन हो रही थी कि भाई हम वही हैं या नहीं, फिर एक दो बार भी कन्फर्म हो गया कि भाई हूँ। हो जाता है ऐसे कई बार ना कि अरे फिर ऐसा देख के अरे हाँ वही, दूसरी बार मैंने देखा कि नहीं वही है वही है नहीं, फिर बाद में कन्फर्म हुआ। सो अब हम जा रहे हैं वापस
अपने गाड़ी की तरफ, और दूसागर वाटरफॉल में तो आपने जो दिखा था मैंने दिखा दिया। तो आप जाएंगे वापस नॉर्थ गोवा, एंड आज का प्लान है कि अभी और भी कुछ कवर करने हैं, तो लेट्स गो वेरी फास्ट एंड देखते हैं अभी और क्या क्या कवर कर पाते हैं, और आगे आपको फिर बताएंगे। तो बर्फ नहीं, हाँ अभी हम यहाँ पे आ गए दूसागर वाटरफॉल से, तो यहाँ पे गन्ने का रस पी रहे हैं, थोड़ी सी एनर्जी आएगी डेढ़ घंटे नहाने के बाद पानी में। और ये यहाँ पे टिकट काउंटर है जहाँ पे दूसागर वाटरफॉल के लिए आपको टैक्सी और जो लाइफ जैकेट है वो यहाँ से मिलती है। सो अभी जो टैक्सी का कॉस्ट है पर पर्सन 500 रुपीज़ है, और मैंडेटरी है वो 40 रुपीज़ का आपको लाइफ जैकेट पड़ेगा, और उसके अलावा 100 रुपीज़ आपको एंट्री फी है पर पर्सन, जो फॉरेस्ट के लिए होता है फॉरेस्ट का, तो उसका अलग टिकट कटेगा जब आप अंदर जाओगे। दैट्स द पॉइंट। हमने गाड़ी यहाँ पार्क कर दी है और हम गोवा में पहुँच गए हैं, और एक गोवा के ऑथेंटिकेट जो थाली का वो है, ये है कैफ़े भोसले, और ये बहुत ही ऑथेंटिकेट है, और यहाँ पे गोवा की गोवन थाली बहुत ही फेमस है। तो जाके अंदर गोवन थाली और जो एक्चुअली गोवा के जो फूड है वो एक बार ट्राई करते हैं। ये सारा सामने ही रोड में मिलता है आपको, और अब हम जा रहे हैं अंदर। अभी चलो यहाँ पे एसी और नॉन एसी की सीटिंग अलग अलग है, एसी की 10% ज़्यादा है नॉन एसी से, जितना बिल आएगा उस पर 10% एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। ये एसी वाली सीटिंग ऐसी है इनकी, और नॉन एसी का नीचे है। अब एक बार ऑर्डर देखते हैं फिर मंगाते हैं उसके अकॉर्डिंग। बहुत ही देखा है, बहुत अच्छा है। सामने चर्च आप देख पा रहे हो, और ये लोग अभी से प्रेयर करने के लिए यहाँ पे धीरे धीरे एकत्रित हो गए हैं, और कल शाम को हम यहाँ से क्रॉस कर रहे थे, बहुत ही अच्छा लग रहा था। यू सी द पीपल आर ऑल्सो स्टैंडिंग एंड दे आर ऑल्सो सिटिंग आउटसाइड द चर्च, एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल। अब देख रहे हो जैसे अभी प्रार्थना होगी, एंड एवरी वन विल स्टैंड और वो प्रार्थना करेंगे, तो दैट्स ऑल्सो अमेजिंग थिंग, वेरी बहुत ही अच्छा लगा ये देख के, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। वापस आने के बाद हम होटल गए थे, 10-15 मिनट आराम किया वहाँ पे थोड़ी देर, और उसके बाद अब हम बाघा बीच जा रहे हैं। बाघा बीच अभी यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, और बाघा बीच वन ऑफ द ब्यूटीफुल बीच है नॉर्थ गोवा का कलंगूट के बाद। सो आज बाघा बीच कवर करते हैं, और लेट्स सी कि क्या क्या है एक बार देखते हैं वहाँ पे जाके, और सनसेट का मजा लेंगे वहाँ पे जाके एक बार, और बस देखते हैं। लव गोवा, दैट्स ऑल। ए गोवा, लव गोवा। का माहौल है तो थोड़ी रश भर गया है, लोग दिख रहे हैं रोडों पे। तो गाइस अभी ये बाघा बीच पहुंचने वाले हैं, और सामने जैसा आपको दिख रहा होगा ये बहुत ही ब्यूटीफुल सनसेट अलॉन्ग विथ सी व्यू। अभी एक बार दिखाते हैं पहुंच के। बीच में बहुत सारे होटल भी हैं, इधर पार्किंग है हेड,
इस बीच में बहुत सारी हलचल है। अगर उधर से रास्ता है तो लेट्स गो फ्रॉम दिस साइड, इधर से ये बीच में जाया जाएगा ना। म्यूजिक की आवाज अभी सुनाई देने जा रही है। जैसा कि म्यूजिक की आवाज से आपको पता चल गया होगा कि हम नॉर्थ गोवा के वन ऑफ द ब्यूटीफुल बीच पे हैं और ये पीछे के रास्ते टूटे फूटे रास्ते से पहुंच रहे हैं, वरना एक दूसरा रास्ता था। बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है, दैट्स सो अमेजिंग। और ये जिस अलग अलग साइड्स पे जा रहे हैं सबके अलग अलग तरह की लाइटिंग हो रखी है और सारे ही एक से एक बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। सामने समंदर और ये इसके सामने ये सारे रेस्टोरेंट बहुत ही सुंदर लग रहा है। अब ये देखो
सो गाइस अब रात के बज रहे हैं 11:30 और अब हम जा रहे हैं वापस होटल, गाड़ी उठाएंगे पार्किंग से और जाएंगे होटल। तो अब जैसा मैंने दिखाया था, ये बहुत ही सुंदर है आसपास और ये पूरी लाइटिंग है पूरी इसमें, और ये पूरी लाइटिंग है इधर। यहाँ से पूरा बागा भी ज़्यादा ही थोड़ी, यहाँ पे भीड़ भी ज़्यादा है और यहाँ पे लोग भी अच्छे हैं और बहुत ही अच्छा माहौल बन रहा है। सो इट्स वेरी गुड, सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग। और मे बी कल का तो ब्लॉग ज़्यादा होगा नहीं क्योंकि कल जाना है एयरपोर्ट। तो कल जाएंगे, कल देखते हैं, कल जहाँ जाएंगे वहाँ का वो ब्लॉग बना के दिखाएंगे आपको। सो गाइस रात के बज रहे 11:30 एंड अभी बहुत देर बैठे थे, बहुत अच्छा लग रहा है माहौल, बहुत ही ठंडी हवा चल रही है और सामने समुंदर की आवाज़ और पीछे म्यूज़िक और ये लाइट वाइट देख ही रहे हो आप, बहुत ही सुंदर लग रहा है। सो जाने का मन तो वैसे कर नहीं रहा बट अब ये बंद होने वाला है थोड़ी देर में तो अब जाना पड़ेगा, बट ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। अब कल फ्लाइट है तो कल देखते हैं कल का क्या है सीन। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। See you in next vlog. Please like and share and subscribe to the channel. और आज जो जो चीज़ें हमने आज देखी है वो बहुत ही ब्यूटीफुल था, आज बहुत ही अच्छा लगा गोवा में। तो अभी देखते हैं आगे क्या क्या कर रहे हैं। ओवरऑल बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है बस, और पहले साउथ गोवा से लेके नॉर्थ गोवा और जितने सारे बीचेज हैं सबके अलग अलग एक्सपीरियंस रहे। साउथ गोवा में भाई हमने दो बीच गए थे उसमें, तो पट्टीम और कलंगूट था वहाँ पे, और पालोनीम और पट्टीम बीच था वहाँ पे साउथ में। एंड देन हम जब यहाँ पे आए तो हम वैसे ही कलंगूट में रह रहे थे, तो कलंगूट और कलंगूट के बाद कलंगूट एक दिन बैठे थे। कल तो हम कहीं बीच पे गए ही नहीं है, कल आपको ने देखा था कि कल बाहर बाहर थे, आज हम आए हैं बागा बीच। बागा बीच उससे बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर है, आप देख पा रहे हैं यहाँ से वहाँ तक सारी लाइटें और अभी भी पूरी म्यूज़िक और लोग बैठे हुए हैं कुछ ना कुछ। सो इट्स वेरी ब्यूटीफुल राइट नाउ और बहुत ही प्यारा लगा, बहुत ही अच्छा लगा, जैसा मैंने एक्सपेक्टेड किया था उससे ज़्यादा अच्छा है ये। सो इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको, देखते एक बार, बहुत ही अच्छा लग रहा है अभी। Copacabana! यहाँ पे हमने अभी डिनर किया है और ओरियो शेक पिया है। बहुत ही ब्यूटीफुल से जा रखा है इन्होंने। सो अंदर देख पा रहे हो, अंदर कोई ज़्यादा लोग बैठे नहीं है, मेनली लोग बीच पे सैक्स में ही बैठे और हर एक रेस्टोरेंट के सामने सैक्स लगा रखा है इन्होंने। अंदर भी ये बहुत सुंदर है, अंदर तब बैठेंगे लब या बरसात हो या कुछ और हो या उसके चक्कर में। और मोस्टली लोग अभी प्रेफर कर रहे हैं कि बाहर ही बैठना, और हमेशा बाहर ही प्रेफर करते हैं बैठने के लिए। आप देख पा रहे हो जब भीड़ होता है तो ये सारी कुर्सियाँ लगा देते हैं ये लोग।